इस वीडियो में मैं आप लोगों से हैकेथॉन के बारे में बात करना चाहूंगा और इस बारे में बात करूंगा कि क्यों हैकेथॉन डेवलपर्स के लिए और वो डेवलपर्स जो कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। पर्सनली मैंने हैकेथॉन से बहुत कुछ सीखा और पाया है और आज के इस वीडियो में इसीलिए मैं आप लोगों को हैकेथॉन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो अगर सबसे सिंपल सवाल को आंसर करूं तो हैकेथॉन क्या होता है, व्हाट इज अ हैकेथॉन? तो हैकेथॉन में होता क्या है कि एक कोई बड़ी कंपनी, एनजीओ या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, एक इवेंट होता है जिसमें कि आप लोग को जाना होता है और वहां पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको फिजिकली जाना होता है आजकल, लेकिन बहुत सारी हैकेथॉन्स ऑनलाइन भी होती हैं, तो इट कैन बी एन ऑनलाइन इवेंट एज वेल। पिछले एक डेढ़ साल से ये इवेंट्स ऑनलाइन ही हो रहे हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये इवेंट्स जो है ऑफलाइन, एक पर्टिकुलर लोकेशन आपको दी जाती है और वहां पर बैठ के आपको कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है और एक लिमिटेड टाइम में आपको एक अच्छा प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाकर देना पड़ता है एंड एट द एंड आपकी जो टीम्स हैं उनके अमंग उस टीम को पिकअप किया जाता है जो कि सबसे बढ़िया उस प्रोडक्ट को या फिर इन जनरल अगर मैं बात करूं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है आपको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर आप लोगों ने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, चाहे वो अच्छा कोड ना हो, चाहे वो कुछ क्विकली एक बस प्रोटोटाइप हो, आपका आइडिया जो है वो होता हुआ एक्शन में दिख जाए, तो आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आप लोग हैकेथॉन जीतते हैं तो आपको प्राइजेस भी मिलते हैं और अगर वो हैकेथॉन किसी बड़ी कंपनी ने या गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया तो बहुत अच्छा कैश प्राइज भी मिलता है और नुकसान आपका बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों मानता हूँ, क्योंकि यार आपको पार्टिसिपेट करते वक्त बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसी के साथ साथ आप लोग वहाँ पर जब जाते हो और टीम बॉन्डिंग करते हो और जब आप एक ऐसे माहौल में बैठते हो जहाँ पर आपको 24 घंटे सोचना है एक ही चीज़ के बारे में कि यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, और वो जो फीलिंग होती है कि यार आप लोगों को निचोड़ लिया जाता है, 24 घंटे हैं, कम से कम स्लीप आप लोग लेते हो और बहुत ही कम टाइम के लिए आप लोग पूरा फोकस हो जाते हो एक ही प्रॉब्लम में, तो मैं पर्सनली उस फीलिंग को बहुत अच्छा मानता हूँ कि कुछ टाइम के लिए मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस होने को मिलता है, एक बहाना मिलता है मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कम से कम टाइम में सॉल्व करके निपटाने का। तो चलो यार हैकेथॉन क्या होता है ये तो सबको समझ में अब तक आ गया होगा, लेकिन ये हैकेथॉन में किस तरह से पार्टिसिपेट करें, मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पर हैकेथॉन हो रही है और अगर हो भी रही है तो मेरी टीम मेंबर्स कौन होंगे, मेरी टीम में मेरे साथ कौन जाएगा? अगर ये सवाल आप लोग के दिमाग में भी दौड़ रहे हैं तो इनका जवाब मैं जल्दी से आप लोगों को दे देता हूं। मैं आप लोगों को सिर्फ दो वेबसाइट्स बताऊंगा और उन दो वेबसाइट्स को फॉलो कर आप लोग करोगे तो आपको बहुत सारे हैकेथॉन इवेंट्स मिल जाएंगे। एक है आपका हैकर अर्थ, एक हैकर अर्थ की वेबसाइट है जिसपे आपको हैकेथॉन्स मिल जाएंगी, बहुत सारी हैकेथॉन्स होती रहती हैं, उनमें से आपको शॉर्टलिस्ट करना है, अच्छी हैकेथॉन पकड़नी है, देखना है कि कौन उसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी हैकेथॉन्स भी होती रहती हैं जो कि शायद शायद वर्थ इट ना रहे आप लोगों के लिए इन कंपैरिजन टू वो हैकेथॉन जो कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह करवाती हैं। इसके बाद जो दूसरी वेबसाइट की मैं बात करूंगा वो है हमारी इवेंट ब्राइट, EVENT इवेंट ब्राइट, और इवेंट ब्राइट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, हैकेथॉन्स को लिस्ट करती है सारी की सारी, कहाँ पर कब होने वाली है हैकेथॉन, एक अच्छी जानकारी आप लोग को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एक हैकेथॉन है, इसके बारे में मुझे पता चला था इस वेबसाइट से, और स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन वैसे तो बहुत फेमस है, शायद बहुत सारे लोग जानते भी हो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कराती है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए भी वॉच आउट कर सकते हो, इनकी अपनी वेबसाइट भी है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की और वहाँ पर आप लोग अपनी टीम बनाकर ले जा सकते हो। ये इवेंट अगर ऑनलाइन हो रहा है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, लास्ट ईयर ये इवेंट ऑनलाइन हुआ था, मे बी इस साल भी ऑनलाइन ही रहे ये इवेंट, बट अगेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्राइजेस वगैरह जीतने की और सर्टिफिकेट आपको मिलता है यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो आपके रिज्यूमे में एक बहुत ही अच्छा वेट आप लोग को डालने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ फर्स्ट सेकेंड ईयर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि एनीवे उनके पास कुछ ज़्यादा रिज्यूमे में लिखने के लिए होता नहीं है, ना उन्होंने इंटर्नशिप्स करी होती हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली होती हैं अब तक जो कि वो अपने रिज्यूमे में लिख सके, ना कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये एक मौका हो सकता है अपने रिज्यूमे में चीज़ों को ऐड करने का। अब एक बार आपको ये पता चल गया कि कौन सी हैकेथॉन में आप लोग जाने वाले हो, अगला स्टेप आप लोग के लिए होगा एक अच्छी टीम बनाना। अब एक अच्छी टीम बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम दी बेस्ट हो, आपके पास एक यूआई डेवलपर हो, एक आपके पास बैकएंड का एक्सपर्ट हो, फिर एक एक्सपर्ट हो जो कि डिप्लॉयमेंट करे आप लोगों के लिए। देखो यार कॉलेजेस वगैरह में ऐसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं अपनी बात आप लोगों को बताऊं तो मोस्ट ऑफ द काम मैं और मेरा एक दोस्त था वही किया करते थे और हम एक दो और मेंबर्स को ले लेते जो कि हमारे लिए और कामों को संभालते थे। तो आप लोगों को देखो लोग तो चाहिए होंगे, अगर आप ये सोचोगे कि यार सारा काम मैं अकेले ही कर लूँ तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और छोटी छोटी चीज़ें जैसे पानी लेकर आना और खाने का इंतज़ाम करना,
आप लोगों को ये सुनकर अजीब लगेगा बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों का टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। अगर मैं बिजी हूँ तो मेरा दोस्त मेरे लिए पानी या फिर खाना लेकर आएगा, अगर वो बिजी है और मैंने अपना काम फिनिश कर लिया तो मैं उसके लिए खाना पानी वगैरह लेकर आऊँगा। तो एक टीम आपको ऐसी चाहिए कि आप लोगों को जानते हो, अगर आपके फ्रेंड्स हैं एंथुजियास्टिक हैं वो, और जो कि होते ही हैं मोस्टली फर्स्ट सेकेंड ईयर के लोग, अगर आप लोग अपने मिशन पर हो, कोडिंग वगैरह सीख रहे हो, अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, फालतू कामों में नहीं हो, तो डेफिनेटली आप लोग के दोस्त आप लोगों के साथ हैकेथॉन में टीम लेकर जा सकते हैं और आप लोगों के लिए सभी के लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा जो भी हैकेथॉन में पार्ट लेने वाले हैं। तो यार अब आपके पास हैकेथॉन है, आपके पास इवेंट है, आपके पास टीम है, आपके पास आ जाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी। अब आपको उसको कैसे अप्रोच करना है इस बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो आपको सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताता हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 80% ऑफ द टाइम आप लोग को टाइम कम पड़ेगा, यानी कि जो 24 घंटे या फिर 2 दिन या 3 दिन आपको मिलने वाले हैं उस हैकेथॉन में अपने काम को पूरा करने के, उसमें आप लोग टाइम की कमी महसूस करोगे। और आप अगर ये बात जाके जजेस को बोलते हो कि यार मुझे टाइम की कमी हो रही है, मेरा ये नहीं हो पा रहा है, मेरा प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट बन गया था लेकिन अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, तो आप सिंपली वो हैकेथॉन नहीं जीत पाओगे। आपको बिल्कुल भी कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब कोई सा भी प्राइज आप लोग को वहाँ पर नहीं मिलेगा अगर आप लोग अधूरा प्रोडक्ट लेकर जाओगे। तो आपका गोल ये रहना है कि आपको सबसे पहले एक MVP बनाना है, और अगर हैकेथॉन का टाइम 1 से 2 दिन है तो आपको उसके आधे टाइम में MVP को तैयार करके खड़ा कर लेना है, उसके बाद ऑन टॉप ऑफ MVP आपके पास काम करना है। आप प्रोग्रेस करें, गिट का इस्तेमाल करें, कमिट्स करते रहें अपने अपने अच्छे चेक पॉइंट्स पर जहाँ पर आपको लगता है कि इस कोड को इस हालत में दिखाया जा सकता है, और वो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ इसीलिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या फिर अपने अच्छे प्रोडक्ट होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो टाइम जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो आप लोग को टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। इसके बाद 1-2 दिन पहले आप लोग को बहुत अच्छी नींद लेनी है क्योंकि यार हैकेथॉन के टाइम में शायद आप लोग को नींद अच्छी नहीं मिलेगी। तो जब हैकेथॉन स्टार्ट होने वाली है उसके 1-2 दिन पहले आपको अच्छी नींद लेनी है, सोना है, अपनी बॉडी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, टाइम पे सोना है, और उसी के साथ साथ आपको अपने खाने पीने का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है 1-2-3 दिन पहले, क्योंकि उस दिन पर शायद आप लोगों को खाने का टाइम भी ना मिले। हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, अगर आप लोग सीरियस हो हैकेथॉन को लेके तो थोड़ी बहुत हालत ख़राब होती है, बट अगेन आप यंग होते हो और आप एक कॉलेज स्टूडेंट होते हो तो मेरे हिसाब से दैट इज़ फाइन 1-2 दिन के लिए, अगर आप लोग अपनी प्रॉब्लम पर फोकस्ड हो और उससे 1-2 दिन पहले आपने बहुत अच्छी तरह से खाना सोना ये सब चीज़ों का ध्यान रखा है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है जिसकी मदद से आप लोग अपना काम प्रेजेंट करोगे वो बहुत अच्छे से आप लोग को बनानी है। उसमें आपको कम से कम बॉयलर प्लेट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम दिखाना है क्योंकि जजेस के पास भी टाइम ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपके काम का मीट जल्दी नहीं दिखा प्रेजेंटेशन में तो जजेस को अच्छा नहीं लगेगा। एक और बात जो बताना चाहता हूं आप लोगों को, जजेस विल ग्रिल यू, आप लोगों को परेशान करेंगे, आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये जज तो मेरे को डायरेक्टली ऐसे बोल रहा है कि मैंने कॉपी किया या ये किया या वो किया है। आपको काम रहना है और बहुत ही आराम से जजेस को क्वेश्चन का आंसर देना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जजेस ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने जो काम किया है वो आपका ओरिजिनल है या आपने कहीं से उठाया है या फिर और भी कोई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर वो जानना चाहते हैं, तो वो आपसे इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कॉपी में कि क्या आपको कोड कॉपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो यार, आपको कोड कॉपी डेफिनेटली करना है हैकेथॉन में, बट स्मार्टली, और उसको स्मार्ट कॉपिंग नहीं कहते हैं। अगर आप लोग बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉपी कर रहे हो आप, मैं कहूँगा कि स्मार्टली आप कोड को रीयूज कर रहे हो। दैट इज द वर्ड दैट आई एम गोइंग टू यूज एटलीस्ट हैकेथॉन के पॉइंट ऑफ व्यू में। क्योंकि अगर आपका कोर प्रोडक्ट है लेट अस से एक वीडियो कॉल ऐप, तो आप लोग फ्रंट एंड पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, CSS नहीं लिखोगे। इवन आपके पास अगर एक डेडिकेटेड बंदा भी है जो कि CSS जानता है, उसके बाद भी वो शायद कुछ और काम कर सकता है क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस कोड को आप रीयूज़ करने की कोशिश करें जो कि ऑलरेडी आपके पास मौजूद है या इंटरनेट पर मौजूद है, या फिर शायद आपने पहले उस पर काम किया हो और आप अब उसको रीयूज़ करना चाहते हो। तो आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि यार ये तो मेरा पहले से हो रखा है, क्या मैं इसे रीयूज़ भी करूं या नहीं करूं। आप डेफिनेटली उसको रीयूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपका जो MVP बनने वाला है, आपका जो प्रोडक्ट आने वाला है उस पे दम हो। इसी के साथ साथ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि कभी कभी लक भी मैटर करता है। मैं जो इनिशियल 1-2 हैकेथॉन्स पे गया था स्टार्टिंग में, उसमें मुझे लगता है ऐसा कि मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया था, मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन होता क्या है कि आप लोग को वो आउटकम नहीं मिलता
मिलता है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एट द एंड हम लोग ने यही सोचा कि यार हमने इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, ये प्रोडक्ट हमको फ्यूचर में कुछ ना कुछ काम देगा, और उसी के साथ साथ इन्जॉय द प्रोसेस यार, प्रोसेस को इन्जॉय करो। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट सारी हैकाथॉन्स में सबको मिलता है, उस सर्टिफिकेट की डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू है, आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही एक हैकाथॉन को अटेंड करते हो और आपके पास आ जाता है एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, तो कम से कम कुछ आपके पास लिखने के लिए है अपने सीवी में, आपका सीवी खाली खाली नहीं रहने वाला। तो यार देखो, फायदे तो बहुत हैं हैकाथॉन को अटेंड करने के, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, आपको अपने आप को पुश करने को मिलता है, वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब आपके पास टाइम लिमिट होती है, आपके आसपास दोस्त होते हैं और आप लोग एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, आपकी फ्रेंडशिप बढ़ती है और आप उसी के साथ साथ उन दोस्तों के साथ काम करना टीम वर्क सीखते हो, और आपको गुडीज भी मिलती है इन मोस्ट ऑफ द हैकाथॉन्स, और अगर आप लोग जीत गए तो सोने पे सुहागा, प्राइजेस तो आपके हैं ही। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई नुकसान ज़्यादा है हैकाथॉन को अटेंड करने के। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये एक पूरा टाइम वेस्ट है, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता, ये टाइम वेस्ट नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है, ये छोटा सा इवेंट आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो डेफिनेटली आप लोग पार्टिसिपेट करें हैकाथॉन्स में। अगर मैं कुछ कॉन की बात करूँ इसमें, तो वो ये है कि शायद आप लोग स्लीप डिप्राइव्ड हो जाएंगे, आप नींद अगर पूरी नहीं लेके जाते हैं कुछ दिन पहले तो थोड़ी बहुत आप लोग को वहाँ पर अपनी हेल्थ को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता अगर आप कुछ दिन पहले सो के जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसी होती नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर सीरियस है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि आप लोग नहीं सोएंगे, आपकी बॉडी आपको, आपका दिमाग अलाउ नहीं करेगा आपको कि आपका प्रोडक्ट पूरा हो जाए उससे पहले आप लोग सो जाएँ। तो कुल मिलाकर मैं बताऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है हैकाथॉन्स को अटेंड करने का, इवन आज भी मैं हैकाथॉन्स को अटेंड करने के लिए देखता रहता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी हैकाथॉन मिली तो डेफिनेटली उसको मैं अटेंड करता हूँ। बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती रहती हैं, नॉट फॉर द प्राइजेस, नॉट फॉर द गुडीज, नॉट फॉर द अकम्पलिशमेंट, बट फॉर द एक्सपीरियंस, क्योंकि यार मज़ा आता है, मज़ा आता है, और ये बात आपको तभी पता चलेगी जब आप हैकाथॉन्स को अटेंड करेंगे, क्वालिटी हैकाथॉन्स को अटेंड करेंगे। तो आप लोग डेफिनेटली अटेंड करें हैकाथॉन्स को, आप लोग को काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। आई होप आप लोग के लिए वीडियो अच्छा रहा, अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो तो यार कमेंट में फील फ्री टू ऐड द पॉइंट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।